मैंने शाहरुख साहब के साथ, मैंने खान साहब के साथ जीरो किया था, उस वक्त मैंने इस फिल्म की जिक्र की थी उनसे, और उनको लगा कि वो कह रहे कि हमेशा तो कुछ अलग करता है, वेरी गुड। फिर जब उनके बर्थडे के लिए मैं गया था उनके घर पे पार्टी बनाने के लिए, उस वक्त उनको याद था स्क्रिप्ट, और उन्होंने कहा कि मैडी यार तुम्हारा कमाल का स्क्रिप्ट है, मैडी मैं तुम्हारी फिल्म में ना एक रोल करना चाहता हूँ, मुझे बैकग्राउंड में पासिंग करा देना। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे इंसान है, आपको याद है। मैंने उनको हक दिया, कहता नहीं नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ यार, मैं करना चाहता हूँ। मैंने फिर हक किया उनको कि भाई थैंक यू वेरी मच सर। तो कह रही पागल है, इसको मजाक लग रहा है, मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर कर लेंगे। पर उनके बर्थडे पार्टी में बहुत सारे लोग थे, तो सरिता और हम चले गए। दो दिन बाद सरिता, जो खान साहब की बहुत बड़ी फैन है, वो कह रही थी कि यार कम से कम उनको मैसेज करके थैंक यू तो बोलो कि उन्होंने आपका स्क्रिप्ट याद रखा। मैंने मैसेज उनको नहीं किया, उनके मैनेजर को किया कि कह दीजिए साहब को कि आई एम वेरी टच्ड कि उनको मेरी स्क्रिप्ट याद थी। फौरन उनका फोन आ गया कि यार मैडी खान साहब पूछ रहे कि आपको डेट कब चाहिए। तो मैंने कहा यार ऐसा मत करो यार झूठे, मतलब मैं यकीन करने लगूंगा कि ये सच है, फिर खामखा मतलब ख्याल पुलाव के चक्कर में मेरी बैंड बच जाएगी। पर वो एकदम सीरियस थे, उन्होंने कहा कि मेरे को करना। मैंने कहा ये बैकग्राउंड वाली पासी कोई रोल है नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रोल है अगर वो करना चाहें। उन्होंने कहा कि कितने डेट्स से, और मैं आपको बता दूं कि चाहे वो सूर्या हो या खान साहब हो, उन्होंने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने ना कैरवैन का पैसा लिया, ना कॉस्ट्यूम का पैसा लिया, ना उन्होंने अपने असिस्टेंट्स के पैसे लिए, ना एक्टिंग के पैसे लिए। सूर्या अपने पूरे टीम के साथ फ्लाई करके बॉम्बे आए शूट करने के लिए, ना फ्लाइट का टिकट के पैसे लिए, ना उनके डायलॉग राइटर जो उन्होंने अनुवाद किया डायलॉग्स को तमिल में उसके पैसे लिए, सब कुछ। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे प्यार में कर रहे थे या नंबी नारायण साहब की जो इज्जत थी उसकी वजह से कर रहे थे। लेकिन अगर आज मुझसे आप पूछोगे कि इस इंडस्ट्री में क्या अच्छे लोग हैं, मैं आपको यकीनन कहूँगा कि बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ और मेरे साथ जो इस इंडस्ट्री में हुआ है, जो लोगों ने मेरी मदद की है, मेरे एक कहने पर हमें की ट्वीट कर देते हैं या प्रियंका चोपड़ा ट्वीट कर देती है, ये उनका प्यार और जो मेरे 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 तरफ जो उन्होंने इज्जत और प्यार दिखाया, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट, एंड आई थिंक इट्स माय ड्यूटी टू एक्नॉलेज दैट।